अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और सहरी आप लोगों को मुबारक हो। टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं और मैं सो ही नहीं हूँ और मैं सहरी बना रही हूँ। पराठा खाएंगे, बनाऊंगी, रात का सालन है, कबाब फ्राई करूंगी, चाय बन रही है, फिर इन लोगों को उठाऊंगी। मेरी ड्यूटी लगी है, देखिए कितने दिन तक मैं बनाती हूँ और फिर सहरी के टेबल पर आपसे मिलेंगे। सहरी से ना फ्री होके मैं फिर अपने अपार्टमेंट में ही वॉक पे गई थी बाहर, तो बहुत ही प्यारा वेदर था, ठंडी ठंडी हवाएं, बर्ड्स की चिरपिंग की आवाज़ें और सनराइज होते हुए मैंने देखा। पूरा नहीं देखा क्योंकि नींद बहुत आ रही थी और मैं आके सो गई थी। हम उठे थे आफ्टरनून में जहर की अजान के बाद और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के, बच्चों को तो भूख लग गई थी, बच्चे भी उठे ही थे और मेरा वेट कर रहे थे उठने का, तो मैंने उन्हें पिज्ज़ा बना के दे दिया था और बस बच्चों ने फिर लंच में पिज्ज़ा ही इंजॉय किया था क्योंकि नाश्ता भी वही था, खाना भी वही था। और उसके बाद हम अफ्तार की तैयारी, क्या क्या बन रहा है तोड़ फोड़ के अलावा? रोल बनेंगे, दही बड़े बन गए हैं और कबाब और क्या बन रहा है भाई, बस बंद कर दे। तेल हो गया है, मैं ये आपने आग लगा दी चूल्हे पे, आग लगी लो भाई। उनेस काले चने बन गए हैं, आलू के फ्राइज बनेंगे, पकौड़े बनेंगे और आलू के पकौड़े बनेंगे, समोसे होंगे, ज्यादा नहीं बनाइए, कम कम बनाइए, रोल होंगे, सही है, और बड़े होंगे, ठीक है। फर्स्ट डे था तो एस्टिमेशन टाइम हमारा गलत हो गया था, नेक टू नेक टाइमिंग चल रही थी और काम ज़्यादा था, वक्त कम था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम टाइम को एडजस्ट करेंगे ताकि टेबल पर बैठें और दुआ करें, दुआ की जा सके रमज़ान में, फारिग जल्दी हो जाएं। और हमारे साथ साथ उनैस उमर भी जो है ना काम करवा के बहुत हैप्पी थे। छोटे साहब आप हाँ आप ओके 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 तैयारी। उमर के फ्राइज बन रहे हैं, बाकी पकोड़े बनेंगे, दही बड़े बन चुके और चलने चलने ये। उमर आपने क्या खाया? अफ्तारी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद हम वापस से अपने किचन में आ गए थे और डाइनिंग को क्लीन कर रहे थे, बच्चे मेरे साथ हेल्प कर रहे थे और बच्चों को पता है बहुत मज़ा आता है, वो जब हेल्प करते हैं तो कॉम्पिटिशन सा हो जाता है उन दोनों के बीच में कि मैंने ये किया है तुम वो करो और मैं वो करूँगा तुम ये करना, तो इस तरह वो खेल भी लेते हैं, इंजॉय भी कर लेते हैं और मेरी हेल्प भी हो जाती है।
और काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो बस हमने फिर सबने मिलकर साथ ही क्लीनिंग की और किचन को मैंने साफ़ कर लिया था नेक्स्ट सैरी के लिए, ताकि मुझे किचन साफ़ सुथरा मिले। और फिर मैंने चाय बनाई थी और फिर हमारे पास कोई काम नहीं था। डे फर्स्ट ख़त्म हो गया था रमज़ान का और हमने फिर चाय इंजॉय की और हम फ्री हो गए। हमेशा की तरह इस बार तो सरफराज भी है। हर साल हम लोग जीते पाकिस्तान बहुत जोर-शोर से देखते हैं। वही सही नहीं है? वही सही नहीं है? तो अदनान तो है ना, अदनान सिद्दीकी। पके पेड़ पे पका पपीता, इसके आगे तो आपको तनी गिरा। वो आंटी बोलेगी, आंटी आंटी क्या नाम आंटी आपको? मेरी प्यारी आंटी आपको आएगा बोलना पके पेड़ पे? चले बोल दे अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे। अब कल मिलेंगे, शेरी में मुलाकात होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट दैट क्लिक द बेल आइकन। और आप सब मेरे मम्मा को दुआओं में हमेशा याद रखें।